हेलो एवरीवन, और स्वागत है एमडीआई इंडिया के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग आप लोग लेके आ गए हैं रियलमी की तरफ से लॉन्च एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर कई एक सब ब्रांड कैटेगरी जो कि है डीजो। और उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट है वो है डीजो वायरलेस, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है साथ में डीजो गोपॉड्स के साथ। तो आज हम लोग करेंगे ये डीजो वायरलेस का अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या क्या फीचर्स है और बाकी जो भी हम लोग बताते हैं वीडियो में वही सब बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अब चलिए हम लोग ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डीजो वायरलेस है इसका जो प्राइस है वो है केवल 1300 का ही है। और ये इसको आप जो है फ्लिपकार्ट से या realme.com से बाय कर सकते हैं। और ये आपको चार कलर मिल जाता है, जो कि ये ब्लैक जो हम लोग ने ऑर्डर कर किया है हम लोग के पास है, और बाकी तीन कलर है ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। तो ये था इसका, आते इसके फीचर्स पे कि इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है 11.2 mm का बेस बूस्टर ड्राइवर मिल जाता है, 17 hours का प्लेबैक, मैग्नेटिक कनेक्शन का ईयरबड्स और IPX4 वाटर रेजिस्टेंस और 88 mm का लो लेटेंसी। और यहाँ पर फाइनली 10 मिनट का चार्ज, 120 मिनट का प्लेबैक, जो कि काफ़ी सही है। और बाकी स्पेसिफिकेशन आप ये सब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और बाकी साइड में सब कुछ ब्रांडिंग किया हुआ है यहाँ पर डीजो, और साथ में आपका यहाँ पर ये रियलमी टेक लाइफ के अंदर आता है, जो कि रियलमी ने अपने ये सब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड गैजेट्स है उसके लिए बनाया है। चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ओपन करते के साथ ही यहाँ पर जो ये बॉक्स है, ओके तो ये तो इसमें खाली है। और ये है रहा इसका आपका डीजो वायरलेस नेक बैंड, तो इसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं। और पैकिंग काफ़ी सही है, जो कि अभी तक मुझे बहुत कम ही में दिखी है कि इसकी ऐसी पैकिंग है हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपको ये टाइप सी चार्जिंग केबल, उसके बाद यहाँ पर ये ईयरबड्स, एक्स्ट्रा ईयरबड्स, और फिर यहाँ पर इसका ये वारंटी कार्ड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब को हम लोग रखते हैं साइड में, और अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने जो हम लोग का ये नेक बैंड है उसके तरफ। तो सबसे पहले अगर बात कर ले इसका बिल्ड क्वालिटी का, तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। यानी इस प्राइस में जो 1300 का प्राइस है, मैंने इसलिए प्राइस पैकिंग बता दिया था क्योंकि इस प्राइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बिल्ड वाइज काफ़ी सही है, और जैसा कि देख सकते ये पूरा कैसे फोल्ड हो जाता है तो छोटा हो जाता है। और इसमें आपको इंस्टेंट ये मैग्नेटिक कनेक्शन वाला है, तो जैसे ही मैं इसको पास में लाऊंगा ये देखिए अपने आप ये मैग्नेटिक कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दूसरा साइड में ये देख सकते हैं आप, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन और ये मल्टीपर्पज़ बटन, जैसे कॉल असिस्टेंट, फ़ोन पिक करना, कट करना, ये सब प्ले पॉज, ये सब का बटन है ये। और यहाँ पे उसी बगल में आपको टाइप सी का चार्जिंग का स्लॉट दिया हुआ है। और इधर दूसरा साइड में यहाँ पर आपको डीजो की ब्रांडिंग दी हुई है। और ओके गाइस, तो चलिए हम लोग जल्दी से ये अपने हम लोग का जो वायरलेस ये नेक बैंड है इसको जल्दी से पेयर कर लेते हैं। पेयर करने के लिए हम लोग को अपने वाले ब्लूटूथ ऑन करना है और बस ये इसको अलग कर देना है। और यहाँ पर चलेंगे हम लोग पेयर न्यू डिवाइस पे, और थोड़ा टाइम लेगा सर्च करने में, तो देखते हैं कितना जल्दी आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीजो वायरलेस करके आ गया है, तो यही आपका है, तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और पेयर कर लेते हैं। तो हम लोग पेयर हो गया, आप चलते हैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग थोड़ा सा इसका साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग को हो सकता है आप लोग को साउंड सुनाई ना दे, या फिर दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता। तो अगर नहीं दे रहा तो मैं बता दूँ कि इसका साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, और जो भी वोकल्स इसमें हैं वो एकदम क्लियर मुझे सुनाई देते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा टेस्ट किया, करीब हाफ एन आवर 1 hour के अराउंड मैंने टेस्ट किया है, तो उसका साउंड काफ़ी सही है। और उसके बाद अगर आप इसको लिंक करते हैं, यानी जब मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो आप अगर रियलमी लिंक ऐप यूज़ करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं रियलमी लिंक ऐप, तो इसको आप ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका ये डीजो वायरलेस है, तो आप इसको यहाँ पर इस कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर से आप इसका जो साउंड इफेक्ट्स है, जैसे बेस बूस्टेड, अभी हम बेस बूस्टेड पर करेंटली सेट किया हुआ है, तो मैं तीनों मोड पर सेट चेक किया था कि कैसा साउंड है। तो डायनेमिक पे आपका मोस्टली एक तरीके का बैलेंस साउंड रहता है, ब्राइट में आपका थोड़ा सा बेस कम रहता है और थोड़ा सा लाउडनेस ज़्यादा रहता है, और बेस बूस्टेड में आपका बेस ज़्यादा रहता है और लाउडनेस कम रहता है। तो आपको जैसा करना वैसा कर सकते हैं।
और साथ ही आप यहीं से आप गेम मोड भी इनेबल कर सकते हैं। और फिर फाइनली अगर बटन सेटिंग्स है तो आप किससे क्या बटन करना है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये सब फीचर नहीं करना है तो उसके लिए भी आप इसको इंस्टॉल करें, तो उतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आपको अगर बात करें इसका बटन्स पे, कहाँ के इसका बटन्स, तो मैं बता दूं कि जो ये प्लस और माइनस का जो बटन है यहाँ पर, उससे आपके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर से जो सिंगल बटन दिया हुआ है उसी से करना होगा। जैसे सिंगल टैप पे आपका ये जो भी आप प्ले या पॉज कर रहे हो वो हो जाएगा, डबल टैप से आपका नेक्स्ट ट्रैक स्किप होगा, और ट्रिपल टैप से आपका जो है गेम मोड ऑन हो जाता है। तो चलिए मैं कुछ कुछ करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी करेंटली मेरा जो है ये प्ले हो रहा है, तो ये हो गया मेरा पॉज प्ले। और फिर उसके बाद डबल टैप करेंगे तो हम लोग का ट्रैक स्किप हो गया। और फिर अगर थोड़ा देर के लिए होल्ड करके अगर रखते हैं तो गूगल असिस्टेंट हम लोग का ऑन हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजिंग करना है, तो जैसे कि मैं बताया कि आप लोग यहाँ से रियलमी लिंक ऐप से ये सब ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। और ट्रिपल टैप जो है वो गेम मोड में, यानी गेम मोड में यानी कि आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें अगर इससे कनेक्ट किया तो थोड़ा लेटेंसी ज़्यादा रहता है। ब्लूटूथ के फोन से आप कनेक्ट करते हैं तो उसका लेटेंसी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और बाकी अगर इससे करेंगे तो ये आपको 88 ms के अराउंड का लेटेंसी देता है। तो वो मैं जब कोई भी गेम खेलूंगा इस पर, जैसे कि हम लोग का बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है वो खेलूंगा, तब फिर मैं इसको आगे बताऊंगा अगला वीडियो में कि ये कैसा वर्क करता है। और फिर उसके बाद फिर अब आते हैं कुछ और फीचर्स पे। तो इसमें जो आपका ब्लूटूथ का वर्जन है वो 5 ब्लूटूथ वर्जन 5 ही है, और इसमें आपको अराउंड यानी 10 meters का एनर्जी देता है। और ये चार्जिंग टाइम यानी इसको फुल चार्ज होने में ऐसा कि बोला गया है वो 2 hours लेता है, बट अगर आप इसको 10 minutes चार्ज कीजिएगा तो आप इसको इजीली 1 hour से 2 hours का प्लेबैक कर सकते हैं, जो काफ़ी सही है। अगर आप कहीं जल्दी में निकलना है तो आप इसको 1 से 2 hours का प्लेबैक कर सकते हैं। और इस ये आपका IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, और साथ में आपको इसमें जो ये मैग्नेटिक वाला बड्स दिया हुआ है, इससे आप जैसे आप डिस्कनेक्ट कनेक्ट कीजिएगा तो ये आपका मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और तुरंत किया तुरंत पेयर हो जाएगा, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो कि आपका इस प्राइस में ये आप यहाँ पर OnePlus Buds OnePlus Bullet Wireless Z में देख सकते हैं। और एक या दो ईयरफोन्स और ऐसे जो इसका भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उससे उसमें भी ये फीचर है, पर बहुत कम ईयरफोन्स है जिसमें ये फीचर दिया हुआ है वही इस प्राइस रेंज में। और इसके अलावा इसमें जो है आपको जो बैटरी है वो आपको टोटल 150 mAh की बैटरी दी हुई है, और इसमें जो प्ले टाइम बोला गया है वो 17 आवर्स का प्ले टाइम बोला गया है। तो यही सब था कुछ फीचर्स, और बस इसी के साथ हम लोग ये अनबॉक्सिंग वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरा फर्स्ट इंप्रेशंस की, तो मैंने थोड़ा से थोड़ा देर इसको टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के अनुसार मुझे तो इसमें जिसका क्वालिटी लगा है और आउट क्वालिटी काफ़ी सही लगा है। अब ये देखना बाकी रहेगा कि ये जो OnePlus Bullet Wireless Z है इसका तो कैसा कंपेयर करता है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इसमें भी आप ये पूरा फोल्डेबल हो जाता है, वहीं आपको ये भी जो है ये भी आप देख सकते हैं कि पूरा फोल्डेबल होता है, पर उतना भी फोल्डेबल नहीं होता जितना कि ये फोल्ड हो जाता है। तो हो सकता है कि पुराना होने के बजाय इतना फोल्ड हो रहा हो, देखते ही कितना तक फोल्ड होता है। और इसका दोनों का कंपेरिजन वीडियो मैं जल्दी ही एक लेके आऊँगा, तो उसके लिए जोर से देखिएगा। और फर्स्ट इंप्रेशंस में अगर मैं कहूँ तो आप इसको डेफिनेटली बाय कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।